प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो हम क्लास ले रहे हैं, उस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है। बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के भौतिक भूगोल से संबंधित जो प्रश्न पत्र है, जो आपकी क्लास का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं उसकी प्रकृति पर हमने प्रकाश डाला था। और आज हम एक दूसरा वीडियो इसी से संबंधित बना रहे हैं। इसमें हम भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, भौतिक भूगोल की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं। तो आइए आज की इस क्लास में हम भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं के ऊपर चर्चा करें। गत वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण शाखाएं भूगोल की हैं, और उन्हीं में से फिर और उपशाखाएं निकल करके भूगोल के इस वृक्ष को विशाल रूप देती हैं। भौतिक भूगोल का संबंध वास्तव में अनेक विज्ञानों से है, जिनमें विशेष रूप से जियोडेसी, एस्ट्रोनॉमी, जिनको हिंदी में हम कहें भूगणित और खगोल विज्ञान, और इसी तरह से अंतरिक्ष विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि अनेक विज्ञानों से है। इन विज्ञानों से विषय सामग्री लेकर उनका भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, और ये वास्तव में भूगोल की आत्मा के रूप में है। इन विज्ञानों की सामग्री को लेकर ही जो अध्ययन किया, कालांतर में इसी विषय सामग्री को ध्यान में रखते हुए सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से भौतिक भूगोल को अन्य शाखाओं में विभाजित कर दिया गया, अन्य अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया, और उनमें जो मुख्य शाखाएं बनी उनमें है भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान। ये अधिक महत्वपूर्ण शाखाओं के नाम से जानी जाती हैं, जिनका भारत ही नहीं विश्व भर में अनेक विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थियों को और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को इन शाखाओं का अध्ययन अधिकांश विश्वविद्यालयों में करवाया जाता है। इसके अलावा अन्य कुछ शाखाएं हैं, जैसे खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी या खगोलीय भूगोल इसको हम कहें, मृदा भूगोल, भूगणिती, भूभौतिकी, ये भी ऐसी शाखाएं हैं जो भौतिक भूगोल की उपशाखाओं के रूप में या शाखाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो आइए अब हम एक एक भौतिक भूगोल की शाखा के बारे में जानकारी करें कि इसकी विषय वस्तु क्या है। भौतिक भूगोल में सबसे पहले स्थल मंडल से संबंधित जो हमारी शाखा है भू आकृति विज्ञान, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, इसकी विषय वस्तु की बात करें तो इसको स्थल रूपों का अध्ययन हम कह सकते हैं। हमारे यहाँ तीन श्रेणी के उच्चावच पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप और महासागर आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पर्वत, पठार, मैदान सम्मिलित हैं, और तीसरी श्रेणी के जो उच्चावच हैं जो बाह्य शक्तियों में अपक्षय और अपर्दन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनमें नदी घाटियाँ हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य ऐसे स्थल रूप हैं जो पर्वत, पठार और मैदान के ऊपर उत्पन्न होते हैं, वो सब इनमें शामिल हैं, जो विशेष रूप से जल, मतलब
जो बहता हुआ जल है, नदी है, उसके द्वारा, पवन द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, हिमानी, परिहिमानी आदि के या सागरी तरंगों के द्वारा जो उत्पन्न स्थलाकृतियां हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं। तो इनका अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इनकी रचना कैसे होती है, क्यों होती है, कहाँ होती है, इन तमाम बातों का और उनकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरी एक महत्वपूर्ण इसकी शाखा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जिसको हम कहते हैं। इसके अंतर्गत वायुमंडल की जो मौसमी दशाएं हैं और जलवायु का जो क्रमिक और प्रादेशिक जो अध्ययन है वो इस जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं, जो भौतिक भूगोल की मुख्य शाखा है। जलवायु की जो दशाएं हैं वो वास्तव में वायुमंडलीय दशाओं का एक समूह है और अल्प समय में किसी स्थान की जो वायुमंडलीय दशाओं का जो सामूहिक रूप है उसको हम मौसम कहते हैं, और यदि उसी को हम दीर्घ काल तक अध्ययन करने के बाद उसका एक औसत रूप निकाल लें तो वह जलवायु कहलाता है। इसके अंतर्गत हम तापमान, वायुदाब, पवन की दिशा और उसकी गति, वायु में विद्यमान आर्द्रता, वायु में संघनन के जो विभिन्न रूप हैं वे, इन तमाम जो तत्व हैं इनका अध्ययन हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उसके कारणों की खोज करते हैं, उसके वितरण में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है, और ये जो विभिन्नताएं हैं ये क्यों पाई जाती हैं, इन तत्वों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से भौतिक कारक हैं, कौन कौन से मानवीय कारक हैं, उन तमाम बातों का अध्ययन हम इस जलवायु विज्ञान नामक शाखा के अंतर्गत करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण शाखा है समुद्र विज्ञान, जिसको ओशिनोग्राफी कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत महासागरों से संबंधित अध्ययन होता है। महासागरों के जो तल हैं उनकी रचना कैसे हुई है, उनकी रचना की क्या विशेषताएं हैं, सागरीय जल का भौतिक और रासायनिक अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत। सागरीय जो निक्षेप हैं, सागरीय जो संसाधन हैं, जल में जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, ज्वार भाटा है, लहरें हैं, इन सब का अध्ययन समुद्र विज्ञान के अंतर्गत होता है। इन सब के कारणों को खोजा जाता है, इन सब का जो महत्व है उन सब का अध्ययन किया जाता है, मानव के लिए ये किस प्रकार उपयोगी हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन समुद्र विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा है जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी जिसको हम कहते हैं। इसमें हम, जैसा कि नाम से हम देखते हैं, कि जीवों का अध्ययन होता है। जीव में हम वनस्पति और जंतु दोनों को शामिल कर रहे हैं। तो वनस्पति और जंतुओं का जो अध्ययन है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से किया जाता है, उसके जो भौगोलिक पक्ष हैं उनका अध्ययन इस जैव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे उनकी जो पारिस्थितिकी है, आवास है, उनके संरक्षण है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो भौतिक और मानवीय कारकों का जो प्रभाव है, उनके लिए जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब भागों का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो हमने शाखाएं बताई हैं इनको भी अलग अलग उपशाखाओं में बांटा जा सकता है। जैसे जैव भूगोल है उसको दो भागों में पादप भूगोल और जंतु भूगोल के रूप में भी, फाइटोजोग्राफी और जू ज्योग्राफी के रूप में अध्ययन करते हैं। ऐसे ही दूसरी जो शाखाएं हैं उनकी भी अनेक उपशाखाएं हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं जो अन्य इसकी भौतिक भूगोल की। अभी तक हमने चार शाखाएं आपको बताई हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। अब इसके अलावा जो और शाखाएं हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक अन्य शाखा है खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, इसको खगोलीय भूगोल भी कह सकते हैं। इस शाखा में सौरमंडल, तारामंडल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और इनके जो आपसी जो संबंध हैं उन सब का अध्ययन इस एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत होता है।
जो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में है। इसी तरह से मृदा भूगोल सोयल ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है, मृदा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, मृदा के मुख्य जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी संरचना कैसी है, उसकी रचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मृदा का जो निर्माण होता है उसमें अपरदनकारी शक्तियां, अपक्षय की शक्तियों का कितना हाथ होता है, कहाँ कहाँ किस किस जलवायु क्षेत्र में किस किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जलवायु का मृदा पर क्या असर है, अन्य भौतिक कारकों का क्या असर है, मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मृदा की क्या क्या समस्याएं आजकल विशेष रूप से देखने को मिल रही हैं, किन क्षेत्रों में किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन किया जाता है। और मृदा किस प्रकार से हमारी फसलों को प्रभावित कर रही है, कैसे हम मृदा का उपयोग एक फसल से दूसरी फसल के लिए कर सकते हैं ज़्यादा लाभ उठाने के लिए, इन तमाम बातों का अध्ययन मृदा भूगोल के अंतर्गत होता है। एक जियोडेसी है, भूगणित। भूगणित के अंतर्गत जो पृथ्वी है उसके रूप, आकार, भार, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी का घनत्व, इन तमाम बातों का अध्ययन किया जाता है। और फिर भूभौतिकी जिसको जियोफिजिक्स कहते हैं, इसमें भूपृष्ठ और उसके आंतरिक भाग का अध्ययन होता है। भूकंप की जो लहरें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की जो विद्युत चालकता पाई जाती है, विद्युत चुंबकत्व होता है, इन सब का अध्ययन इस जियोफिजिक्स के अंतर्गत, भूभौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, खगोलीय भूगोल, मृदा भूगोल, समुद्र विज्ञान, भूगणित और भूभौतिकी, ये मुख्य शाखाएं हैं हमारे भौतिक भूगोल की। तो आज के इस अध्ययन में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं एक बार फिर से आपका ध्यान चाहूँगा कि हम जो ऑनलाइन वीडियो डाल रहे हैं, इन वीडियोस को आप ध्यान से सुनें। इन वीडियोस में न केवल मैं वीडियो डाल रहा हूँ बल्कि हमारे बहुत सारे विद्वान साथी इस विषय पर अपने वीडियो डालेंगे। आप उन वीडियोस को देखें, उनमें से जो आपको बेहतर लगे उसको आधार बनाएं, लेकिन ये निश्चित है कि आपको किसी न किसी वीडियो में कुछ ना कुछ खास विशेषता मिलेगी, वो वहाँ से नोट करें और फिर अपने नोट्स आप तैयार करें, उनके आधार पर अपनी परीक्षा की आप तैयारी करें ताकि आपको अधिकाधिक लाभ परीक्षा में मिल सके, आपका ज्ञान अधिकाधिक बढ़ सके। आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज की क्लास में।